अब समाचार विस्तार से। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि बच्ची मोनिका के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। मंत्री तलसानी ने 29 अप्रैल को सीएम केसीआर के आदेश पर सरकार द्वारा स्वीकृत 5 लाख की आर्थिक सहायता का चेक सनतनगर निर्वाचन क्षेत्र के कलासी गुड़ा नाला में गिरकर मृत्यु बच्ची मोनिका के परिवार को सौंपा। इस मौके पर मंत्री ने मोनिका के माता पिता श्रीनिवास और रेणुका को सांत्वना दी, जो अपने बच्चे को याद करते हुए रो रहे थे। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि बच्ची की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। चाहे कुछ भी कर लो, एक निसंतान परिवार की कमी की भरपाई नहीं की जा सकती। वे मोनिका के परिवार की जरूरतों को जानते हैं, जो बेहद गरीबी में है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे उनके परिवार की हर संभव मदद करेंगे। नगर मंत्री केटीआर ने कहा है कि शहर की विशेष पहल से करोड़ों रुपए की लागत से कई विकास कार्य कराए जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। मंत्री ने बताया है कि बाढ़ की लंबे समय से चली आ रही समस्या के स्थायी समाधान के लिए व्यापक नहर विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है और नहरों का पूर्ण विकास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा किए गए उपायों के परिणाम स्वरूप कई कॉलोनियों और झुग्गियों में लोगों के सामने आने वाली बाढ़ की समस्या का समाधान हो गया है। मंत्री मल्ला रेड्डी ने एक बार फिर आंध्रा की राजनीति पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने मजदूर दिवस के अवसर पर रविंद्र भारती में तेलंगाना श्रम विभाग द्वारा आयोजित समारोह में भाग लिया। इस मौके पर मल्ला रेड्डी ने आरोप लगाया है कि आंध्र प्रदेश में जाति की राजनीति हो रही है। मल्ला रेड्डी ने कहा है कि सीएम केसीआर की ताकत को सभी जानते हैं। मल्ला रेड्डी ने कहा है कि पोलावरम केसीआर द्वारा बनाया गया। उन्होंने यह भी कहा है कि वहां विशाखापट्टनम स्टील का निर्माण भी करेंगे। मल्ला रेड्डी ने कहा है कि वह चाहते हैं कि केसीआर पड़ोसी राज्यों में अपना सीएम बनाए। मल्ला रेड्डी ने टिप्पणी की है कि भाजपा और कांग्रेस के नेता सीएम केसीआर और मंत्री केटीआर को यहां कहते हुए डांट रहे हैं कि उन्हें श्रमिकों का वेतन मिलेगा। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं ने केसीआर की प्रेरणा से कालेश्वरम, यदाद्री, अम्बेडकर और सचिवालय का निर्माण किया। मल्ला रेड्डी ने खुलासा किया कि हैदराबाद में श्रमिकों के लिए अच्छे दिन आएंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों में कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया गया। सीएम केसीआर इस महीने के 4 तारीख को दिल्ली में नए बीआरएस पार्टी कार्यालय उद्घाटन समारोह में जाएंगे। संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री आज या कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रीय राजधानी में बीआरएस का केंद्रीय पार्टी कार्यालय पहले ही तैयार हो चुका है। उद्घाटन के लिए पार्टी लाइन सभी तैयारियां कर रही है। उधर सीएम केसीआर ने आज नए सचिवालय में सिंचाई विभाग को लेकर पहली समीक्षा बैठक की। इस बैठक में करीवेना एवं उद्दंडापुर जलाशयों से नारायणपुर, कोंडागल, विकाराबाद तक पेयजल नहरों की समीक्षा की गई। बैठक में जिले के मंत्री, विधायक और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कर्मचारी ही नहीं, विधायकों को भी नए सचिवालय में जाने के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। नए सचिवालय में सीएम की अध्यक्षता में पलामूरु रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना पर समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए अचमपेट विधायक गुव्वल बलराजू मुख्य द्वार पर पहुंचे। स्पेशल पुलिस ने उस गेट से कार को अंदर जाने की परमिशन नहीं दी। उन्हें दक्षिण पूर्व द्वार से जाने का सुझाव दिया गया था। विधायक गुव्वल बलराजू नए प्रतिबंधों को वास्तविक समझकर दक्षिण पूर्व गेट की ओर चले गए, लेकिन वहां ड्यूटी पर मौजूद विशेष पुलिस ने उन्हें सलाह देते हुए कहा, विधायकों की एंट्री नॉर्थ ईस्ट गेट से होती है, इसीलिए आपको वहां से जाना चाहिए। विधायक समय के साथ नॉर्थ ईस्ट गेट गए। जब पुलिस को पता चला कि विधायक कार में है, तो उन्होंने यह कहते हुए उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। यह गेट उच्च अधिकारियों के लिए है, विधायकों का प्रवेश इस तरफ नहीं है। विधायक माधवराम कृष्णराव ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री केसीआर और मंत्री केटीआर तेलंगाना राज्य में बड़ी कंपनियां लाएंगे और श्रमिकों को रोजगार देंगे, तो केंद्र सरकार कंपनियों को बिक्री के लिए रखेगी। कुक्कड़पल्ली निर्वाचन क्षेत्र में केपीएचपी कॉलोनी में मई दिवस के अवसर पर 200 निर्माण श्रमिक बीआरएस में शामिल हुए। विधायक बीआरएस का खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया गया। बाद में मई दिवस पर ध्वज का अनावरण किया गया। इस मौके पर विधायक माधवराम ने कहा कि उन्होंने एल्विन कंपनी में कर्मचारी के तौर पर भी काम किया और मजदूरों की समस्याओं को देखा। मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा है कि बीआरएस सरकार बनने के बाद जिस नेता ने तेलंगाना के श्रमिकों को किसी भी कठिनाई से मुक्त कराया,
नेता ने श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सीएम केसीआर और मंत्री केटीआर का विशेष धन्यवाद व्यक्त किया है कि देश में कहीं और की तरह कंपनियां तेलंगाना राज्य में आ रही है। विधायक माधुराम कृष्णराव ने कहा है कि प्रदेश में जहां कंपनियों का विकास हो रहा है और श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है, वहीं भाजपा सरकार कंपनियों को बेच रही है। उन्होंने कहा है कि यदि भाजपा सरकार इसी तरह की नीति अपनाती है तो सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर भाजपा सरकार के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। करीब 1000 करोड़ रुपए से बने नए तेलंगाना सचिवालय तक आम लोगों की पहुंच है या नहीं, बीजेपी नेता विजय शांति ने कहा है कि यह अब मिलियन डॉलर का सवाल बन गया है। उन्होंने फेसबुक के माध्यम से नए सचिवालय के बारे में बताया है। पता चला है कि जब अखंड राज्य था तो अक्सर यह देखा जाता था कि पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास या सचिवालय में लोगों से मिलते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे और त्वरित समाधान सुझाते थे। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना आने और केसीआर के मुख्यमंत्री बनने के बाद सारी प्रगति भवन और एर्राबल्ली फार्म हाउस तक सीमित हो गई है। उन्होंने कहा है कि मंत्रियों ने भी उन्हीं के बताए रास्ते पर चलकर लोगों से दूरी बना ली है। उन्होंने पूछा है कि पिछले 9 साल से प्रगति भवन या पुराने सचिवालय में जनता को चेहरा ना दिखाने वाले केसीआर क्या अब बने इस नए सचिवालय में लोगों की पहुंच में होंगे, क्या लोग अंदर आएंगे। विजय शांति ने कहा है कि यह चर्चा मीडिया और आम जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया। यह एक सच्चाई है कि जनता को यह बताने की जिम्मेदारी उनकी है कि हमारा तेलंगाना राज्य जो गरीबों के बलिदान, कष्टों और आंदोलनों की विरासत है और इसे अहंकार और तानाशाही की स्थिति में ले जाया जा रहा है और दूसरी ओर यह कर्जदार स्थिति में जा रहा है। श्री सद्गुरु त्यागराज स्वामी 256वां जयंती महोत्सव कार्यक्रम नेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल आर्टिस्ट के प्रदेश अध्यक्ष एलवी चिन्ना राव के नेतृत्व में हैदराबाद सुंदरया कला निलयम में इसका भव्य आयोजन किया गया। हुजूराबाद विधायक इटेला राजेंद्र, तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी के चेयरपर्सन दीपिका रेड्डी सहित अन्य लोग कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकारों ने कला रत्न डीवी मोहन कृष्णा को सम्मानित किया। बाद में इटेला राजेंद्र द्वारा पसीवाड़नी ज्ञापकालु नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में कई संगीतकारों और अन्य लोगों ने भाग लिया। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने मांग की है कि मुख्यमंत्री जगन को वाईसीपी नेताओं द्वारा तमिल सुपरस्टार रजनीकांत पर की गई खराब टिप्पणियों के लिए माफी मांगनी चाहिए, जो एनटीआर के शताब्दी समारोह में अतिथि थे। उन्होंने दुख व्यक्त किया है कि वाईसीपी गिरोह ने रजनीकांत पर हमला किया, जिन्होंने एनटीआर के शताब्दी समारोह में भाग लिया और उनके साथ अपना संबंध साझा किया। शहर में नाला एक बड़ी विकट समस्या बन चुकी है। हालांकि जनप्रतिनिधि नालों की मरम्मत का लगातार आश्वासन तो देते हैं, लेकिन आश्वासन के मुताबिक काम नहीं हो पा रहा है। आप इसे चाहे अधिकारियों की लापरवाही कहे या जनप्रतिनिधियों की नाकामी, बेमौसम बरसात में ना सिर्फ फसलों को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि कलासीगुड़ा निर्वाचन क्षेत्र में आज जो घटना घटी उसके लिए विभाग और जनप्रतिनिधियों के बीच आपसी सामंजस्य की कमी प्रमुख कारण है। इसका खामियाजा 4 साल की बच्ची को भुगतना पड़ा और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। TSMSET परीक्षा हॉल टिकट जो इस महीने की 10 तारीख से शुरू होगी वेबसाइट पर उपलब्ध है। कल रात 8 बजे तक 1.75 लाख लोगों ने हॉल टिकट डाउनलोड किए। एनसेट के सह संयोजक विजय कुमार रेड्डी ने कहा है कि हॉल टिकट वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण संख्या, इंटर हॉल टिकट और जन्मतिथि के विवरण के साथ डाउनलोड किया जा सकता है। राज्य भर में तेलंगाना पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित कांस्टेबल फाइनल परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। 1,09,663 सिविल कांस्टेबल उम्मीदवारों में से 1,08,055 परीक्षा में शामिल हुए, यानी 98.53% ने परीक्षा लिखी है। 6,801 आईटी और कम्युनिकेशन कैंडिडेट्स में से 6,088 कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी थी। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश से हैदराबाद के कई इलाकों में पानी भर गया। कई जगहों पर पेड़ और बिजली के तार टूटकर गिर गए हैं, इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस घटना में जुबली हिल्स चेक पोस्ट के पास बिजली के तार कट जाने से एक ग्रेहाउंड कांस्टेबल की मौत हो गई है। जाने माने कोरियोग्राफर चैतन्य ने आत्महत्या कर ली। नेल्लोर के एक क्लब होटल में एक डांस मास्टर ने कर्ज चुकाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले उसने एक सेल्फी वीडियो लिया। इस वीडियो में चैतन्य मास्टर ने कहा है कि उन्होंने यह फैसला वित्तीय कठिनाइयों और बढ़ते कर्ज के कारण लिया है।
छावनी क्षेत्र के लोगों का 9 साल का इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है। अंत में सेना के अधीन सड़कें खुली है, इससे करीब 3.5 लाख यात्रियों को राहत मिली है। हालांकि इसी महीने की 20 तारीख को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने छावनी में सड़कों को खोलने के लिए सैन्य प्राधिकरण को आदेश जारी किए, लेकिन सड़कों को नहीं खोला गया, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई है। सूरज ढलते ही सिटी बसों में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते ही मेट्रो की डिमांड बढ़ गई है। वैश्विक शहर हैदराबाद में एसी बसों में यात्रा करना मूर्ख तृष्णा बन गया है। क्या आप कठिनाइयों और मांग का सामना कर रहे हैं? यदि आप जानना चाहते हैं कि यह क्या है, तो आपको हमारी राय मंटू ऋषि की कहानी देखनी होगी। बलगम एक ऐसी फिल्म है जो तेलंगाना की संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों को दिखाती है। जबरदस्त कॉमेडियन के रूप में प्रसिद्ध वेणु यलदंडी ने पहली बार मेगाफोन लिया और इस फिल्म का निर्देशन किया। प्रियदर्शी और काव्या कल्याण राम ने हीरो हीरोइन के रूप में काम किया। सोना खरीदारों को राहत मिली है। मालूम होता है कि पिछले कुछ दिनों से सरफरा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी चल रही है, लेकिन आज भी सोने की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है। बाजार में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 55,850 है, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 60,930 है। चांदी की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है। सरफरा बाजार में इस समय चांदी का भाव 76,200 रुपये प्रति किलोग्राम है। हैदराबाद में 22 कैरेट सोने की कीमत 55,850 है, जबकि 24 कैरेट की कीमत 60,930 है। विजयवाड़ा में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 55,850 है, जबकि 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 60,930 है। केंद्र सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। 14 मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया। केंद्र ने यह फैसला यह महसूस करने के बाद लिया है कि पाकिस्तान में आतंकवादी उन्हें संचार मंच के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।